हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं मेथी पराठा की रेसिपी लेकर आई हूँ। सर्दी का सीजन है और ताजी ताजी मेथी की पत्तियां मिल रही है, तो पराठा बनाना तो बनता है। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम पराठा बनाना आपको बताते हैं। हमारे कुछ दिए हुए टिप्स एंड ट्रिप्स के साथ आप पराठा बनाएंगे तो ये बहुत ही मुलायम और क्रिस्पी पराठा तैयार होता है। इसे बच्चे बड़े सभी पसंद करते हैं। ये फायदेमंद तो होता ही है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप भी लास्ट तक देखिए। अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। मेथी पराठा बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है वो है गेहूं का आटा, 200 ग्राम गेहूं का आटा, एक पंच मेथी जिसे हमने 2 से 3 बार धो के उसके पत्ते अलग कर लिए हैं और बारीक बारीक हमने काट लिया है। तो ये फाइनली 150 ग्राम मेथी का पत्ता तैयार किया है हमने। 2 हरी मिर्च को हमने एकदम बारीक बारीक काट रखा है। 1/2 इंच अदरक के टुकड़े को हमने ग्रेट कर लिया है। 1 चम्मच हमने अजवाइन लिया है जिसे कि हम हथेली पर क्रश करके साफ कर लिए हैं। जरूरत के अनुसार हम नमक लेंगे, थोड़ा सा हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। पराठे सेकने के लिए हम तेल यूज करेंगे और थोड़ा सा हम डो बनाने में डालेंगे। आटा बनाने के लिए हम एक ट्रे लेंगे, उसमें हम अपना आटा डाल लेंगे। तो आटा को हमने पहले ही छान रखा है। अब हम इसमें डालेंगे अजवाइन, अदरक, हरी मिर्च, आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम ऐसे मिक्स कर लेंगे। हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लिया है। अब हम लास्ट में डालेंगे मेथी पत्ता जिसे हमने धो के तोड़ के काट रखा है। तो हम ऐसे मेथी पत्ता डाल लेंगे। मेथी पत्ता हम सेम क्वांटिटी में डालेंगे तो पराठे में टेस्ट आएगा मेथी का। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम पत्ते के साथ आटा को कोशिश करेंगे कि अच्छे से मैशें, क्योंकि काफ़ी आटा गीला हो जाता है पत्ती की वजह से। तो हम इसे दोनों हाथ से थोड़ी देर ऐसे मैश मैश के छानेंगे। पत्ती के मॉइस्चर से आटा गीला होता है, तो हम कोशिश करेंगे कि 1 मिनट तक हम पत्ती के साथ आटा को अच्छे से मैशें। हमने पत्ती के साथ आटे को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूंदेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा पानी नहीं लेता है। तो हम बहुत अंदाज से पानी डालेंगे और अच्छे से आटा का डो तैयार करेंगे ऐसे मैशते हुए। हम ऐसे थोड़ा सा पानी लेंगे और चारों तरफ ऐसे फैलाते हुए और दोनों हाथों से इसे मैश मैश के डो तैयार करेंगे। जितना बढ़िया हम डो तैयार करेंगे उतना ही बढ़िया अपनी मेथी पराठा तैयार होगी। आटे को हमने अच्छे से पानी के साथ मिक्स किया। अब हम इसे ऐसे प्रेस और फोल्ड मेथड से 3 से 4 मिनट तक आटा को ऐसे ही मसलेंगे। हम ऐसे प्रेस करेंगे फिर फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से हम 2 से 3 मिनट तक कंटिन्यू करेंगे तो आटा अपना बहुत ही मुलायम तैयार होगा। ज़रूरत पड़ी तो हम ऐसे हथेलियों में थोड़ा सा तेल ले लेंगे और हाथ को ऐसे ग्रीस कर लेंगे। फिर हम इसे ऐसे प्रेस करेंगे और फिर फोल्ड करेंगे। आटा को हमने मसलते हुए अच्छा सा स्मूथ डो तैयार कर लिया है। जैसे कि हम सभी पूरी पराठे का डो तैयार करते हैं वैसे ही हो गया है, लेकिन हमने पानी बहुत कम यूज किया, यानी कि इतना आटा में हमने 2 बार चुल्लू भर भर के पानी डाला तो हो गया। अब चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हम एक आयरन का तावा गर्म होने के लिए रख देंगे। तब तक हम अपना पराठा बेलना शुरू करेंगे।
अब हम डो में से एक पराठा बनाते हैं, उतना बड़ा बॉल तोड़ लेंगे और हथेलियों से इसे गोल कर लेंगे। आपको दिखा दे रही हूँ, बिल्कुल जैसे हम रोटी या पराठा बनाते हैं उतना ही डो हमने लिया है, इसे राउंड कर लिया। हम सूखे आटे से इसे डस्ट करेंगे, दो अंगूठों और अंगुली के बीच से ऐसे एक छोटा सा पूरी बना देंगे। फिर हम इसे एक बार डस्ट कर लेंगे। अब हम बेलन की तरफ चलेंगे। तो ये रोटी बनाने वाला जो चौकी है और बेलन से हम पराठा का शेप देंगे। ये बिल्कुल आसान है, जैसे हम आम पराठा बनाते हैं वैसे ही बनता है, पर हम इसमें इतना सारा इंग्रेडिएंट्स डाल के बनाते हैं कि मेथी का पराठा बहुत ही जायकेदार होता है। ठंडी के सीजन में तो हर घर में इसे बना के खाना चाहिए। तो आपने देख लिया, हमने रोटी को इतना बड़ा फैला रखा है, यानी कि एकदम पतला सा अपना मेथी पराठा तैयार हुआ है, आप एक बार देख सकते हैं। अब हम इसे हथेली पे ऐसे उठा लेंगे और गैस की तरफ चलेंगे। जब तक हम रोटी तैयार किए, अपनी तावा भी अच्छी खासी गर्म हो चुकी है। अब हम धीरे से उसपे मेथी पराठा डाल देंगे और इसे एक साइड से सेकेंगे। ऊपर से अपनी पराठा जो है सूख चुकी है, यही चिन्हासी है कि पीछे वाले साइड का अपना पराठा सिक चुका है। अब हम इसे ऐसे उलट लेंगे। तो आप देख लीजिए, एक साइड से हल्का हल्का अपना चीटी जैसे आ गया है, यानी कि पराठा अपना आधा अधूरा सिक चुका है। तो ऐसे हम इसे घुमाते हुए और इस साइड में हम एक चम्मच तेल लेंगे। तेल को हम ऐसे चम्मच से फैलाते हुए डालेंगे। यहाँ पे आप देसी घी भी डाल सकते हैं, लेकिन ठंडी में तेल का पराठा बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। चारों तरफ हमने तेल फैला लिया। अब तेल लग चुका है तो हम हाथ से उल्टेंगे तो हाथ सलेगा, तो हम एक स्पेचुला की मदद से इसे ऐसे उल्टेंगे। दूसरी साइड भी हम तेल को ऐसे ही फैलाएंगे। तेल जैसे चारों तरफ फैल जाना चाहिए, तभी पराठा सुंदर होता है। अब हम इसे इस तरह से उलट पलट के और पराठा तैयार कर लेंगे। अब देख सकते हैं कितनी बढ़िया, हमने दोनों साइड से पराठे को करारेदार सेक लिया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया अपनी मेथी की पराठा तैयार हुई है, एकदम क्रिस्पी। ऐसे आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, एकदम क्रिस्पी। खाने में इसे अचार, दही, रायता से खाइए, बहुत ही मज़ेदार लगेगा। तो चलिए हम बाकी के सभी पराठे ऐसे ही सेक लेते हैं। हमने दूसरा पराठा भी बेल लिया है। आप देख सकते हैं कितना पतला पतला अपना पराठा तैयार हो रहा है। बिल्कुल जैसे हम रोटी चपाती बनाते हैं उतना पराठा हम पतला बना सकते हैं, मेथी का कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे हम हाथ से उठा लेंगे। तावा गर्म है, हम धीरे से पराठा डाल देंगे। आप देख सकते हैं एकदम पतली सी अपनी मेथी पराठा तैयार हुई है, जैसे हम रोटी बनाते हैं उतना ही पतला ये तैयार हुआ है। कोई दिक्कत नहीं हुआ पराठा बनाने में हमें। तो चलिए हम इसे गैस पे सेक लेते हैं। ऐसे हम हाथ पे उठा लेंगे। तावा गर्म है, हम धीरे से पराठा डाल देंगे और एक साइड से ज्यादा आधा मिनट सेकना होता है मीडियम फ्लेम पे, फिर हम इसे फ्लिप करेंगे। तावा गरम है, हम धीरे से पराठा डाल देंगे। हमने सभी पराठे को ऐसे ही सेक लिया है, तो इसे भी हम ऐसे प्लेट में निकालते जाएंगे। तो अपनी सभी पराठे तैयार हो चुकी हैं।
मेथी पराठा बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया इसे बनाना कितना आसान है और खाने में ये टेस्टी तो होता ही है, टेस्टी के साथ हेल्दी भी होता है, बच्चे बड़े सभी पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को आप भी ज़रूर बनाइए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।